वशी नारद। देवर्षि नारद प्रणाम। आयुष्मान भव। देवर्षि, कदाचित आपको स्मरण होगा कि आपके परामर्श पर मेरे पिता श्री महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। हाँ, मुझे स्मरण है, और इस बात का भी कि तुमने उसका विरोध किया था। हाँ देवर्षि, क्योंकि मैं भयभीत था अपने 60,000 भाइयों के आचरण से। किंतु देवर्षि, एक समस्या उत्पन्न हुई है। कैसी समस्या? देवर्षि, ना तो अश्वमेध का अश्व वापस आया और ना ही मेरे भाई। पता नहीं वे सबके सब कहां चले गए। पुत्र समंजस, तुम्हारे पिताश्री को अश्वमेध यज्ञ करने का परामर्श मैंने ही दिया था, तो इसके पीछे कोई कारण भी रहा होगा। कारण? क्या कारण था देवर्षि? कारण जानकर क्या करोगे पुत्र। हाँ, मैं ये बात अवश्य बता सकता हूं कि वह अश्व कहां है। कहां है वो अश्व देवर्षि, कहां है वह अश्व? कपिल मुनि के आश्रम में है। कपिल मुनि के आश्रम में? हाँ। और मेरे भाई? इसका उत्तर भी तुम्हें कपिल मुनि के आश्रम जाकर ही मिलेगा। नारायण नारायण। कपिल मुनि का आश्रम। मुनिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कौन हो तुम? मुनिवर, मुनिवर मैं महाराज सगर का पुत्र असमंजस हूं। यहां आने का कारण? मुनिवर, मैं अभी अभी अपने 60,000 भाइयों के जले हुए मृत शरीर की राख देकर आ रहा हूं। हाँ हाँ, उन्होंने यहां आकर मेरा अपमान किया, मुझ पर अश्व की चोरी का दोष लगाया, धृष्टता की मेरे साथ। तब मैंने क्रोध में आकर उन्हें शाप दे दिया और वे सब जलकर भस्म हो गए। तुम क्यों आए हो यहां? हे मुनिवर, मैंने अपने पिताश्री को चेतावनी दी थी कि वे ये अश्वमेध यज्ञ ना करें, क्योंकि मैं अपने उत्पाती भाइयों का स्वभाव जानता था। किंतु मुनिवर, परिणाम वही हुआ जिसका मुझे भय था। तो क्या तुम भी मुझे दोषी समझते हो? नहीं मुनिवर, कदापि नहीं। उनकी धृष्टता के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। मुनिवर, मुनिवर, वे उत्पाती अवश्य थे किंतु अज्ञानी थे। उनका अपराध क्षमा कर दीजिए मुनिवर। मेरे क्षमा करने से क्या वे जीवित हो जाएंगे? किंतु उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी मुनिवर, उन्हें क्षमा कर दीजिए। उठो वत्स,
जो कुछ भी हुआ उसका खेद है मुझे, किंतु होनी को कौन टाल सकता है। मुनिवर, मेरे भाई उत्पाती अवश्य थे, अपराधी भी थे, किंतु इसमें मेरे पिताश्री का कोई दोष नहीं। हाँ वत्स, यह सत्य है, इसमें तुम्हारे पिता का कोई दोष नहीं। वत्स, यह अश्व ले जाओ और यज्ञ संपूर्ण करो, किंतु तुम्हारे 60,000 भाइयों के जले हुए शवों की राख को बहाने का प्रबंध तो करना ही पड़ेगा ना। मुनिवर, मुनिवर यह कैसे संभव होगा? संभव होगा, अवश्य होगा, किंतु इसके लिए इस पूरी सृष्टि में केवल एक ही शक्ति है जो इस राख को बहा कर ले जा सकती है, और वो शक्ति है गंगा। गंगा? हाँ, गंगा। किंतु इस समय गंगा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के कमंडल में है, उसे वहां से निकालकर धरती पर लाना पड़ेगा। किंतु मुनिवर, कौन लाएगा गंगा को धरती पर? वत्स, ये कार्य करेगा तुम्हारा पौत्र भगीरथ। भगीरथ? हाँ वत्स, भगीरथ की तपस्या से देवलोक से गंगा धरती पर आएगी और इस राख को बहा देगी, उन्हें मोक्ष प्रदान करेगी। हाँ मुनिवर, हाँ, कोई भगीरथ ही होगा जो गंगा को धरती पर लाएगा। नारायण नारायण। माते, अपने पुत्र को दर्शन दीजिए। प्रणाम माते। माते, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैंने आपको जो आश्वासन दिया था वो पूरा होने का समय आ गया है। अर्थात? अर्थात माते, मैंने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं, ऐसी रचना रच दी है कि देवी गंगा को धरती पर आना पड़ेगा, और देवी गंगा के धरती पर आते ही आप इस श्राप से मुक्त होकर ब्रह्मलोक वापस लौट जाएंगी। किंतु पुत्र, देवी गंगा को धरती पर लाने में कौन सा फल होगा, देवता, दानव या मानव? माते, ये सौभाग्य तो केवल मानव को ही प्राप्त हो सकता है। मानव को? हाँ माते, मानव। मानव कौन है वो? इक्ष्वाकु वंश का राजकुमार भगीरथ। भगीरथ? हाँ माते, भगीरथ के ही प्रयास से देवी गंगा धरती पर वापस आएंगी। प्रणाम माते। नारायण नारायण। सारथी, उस आश्रम की ओर चलो। हे पुत्र, हे भगीरथ, हमारा उद्धार करो। एक लंबी अवधि से हमारी आत्माएं कष्ट भोग रही हैं। हमारा उद्धार करो पुत्र, हमें इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ। Yeah.
नारायण नारायण। देवर्षि, प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव, क्या देख रहे हो? देवर्षि, मैं तो आखेट के लिए निकला था, एक हिरण का पीछा करते करते यहां तक आ गया। वो हिरण तो मेरी आंखों से ओझल हो गया देवर्षि, ऐसा लगता है वो हिरण मायावी था। किंतु देवर्षि, ये सब क्या है? इन राग की ढेरियों से निकले हुए ये लोग कौन थे जो मुझे पुत्र कहकर संबोधित कर रहे थे? वे क्या चाहते थे मुझसे? महाराज भगीरथ, इन राग की ढेरियों से निकली हुई ये आपके पितरों की आत्माएं थीं। मेरे पितरों की आत्माएं? हां महाराज, आपके पितरों की आत्माएं। किंतु देवर्षि, ये राग की ढेरियां, ऐसा प्रतीत होता है कि यहां कोई भयानक अग्निकांड हुआ हो। महाराज भगीरथ, क्या आप इस अग्निकांड के विषय में कुछ नहीं जानते? नहीं देवर्षि, यदि आप जानते हैं तो मुझे बताइए। महाराज, ये सब कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे, इनका उद्धार केवल आप कर सकते हैं। मैं? हां महाराज, आप। आपके पितरों की आत्माएं आपके प्रयत्न की प्रतीक्षा कर रही हैं महाराज, इनकी मुक्ति केवल आपके द्वारा हो सकती है। किंतु देवर्षि, यह कार्य मैं किस प्रकार कर सकता हूं? महाराज, इस कार्य के लिए आपको पतित पावनी गंगा को धरती पर लाना होगा। गंगा? देवर्षि, गंगा धरती पर कैसे आएगी? महाराज, आप इस घटना से अब तक अनजान थे, मैं आपको यहां तक ले आया, अब गंगा को धरती पर लाने का मार्ग तो आपको ही ढूंढना होगा, यह आपका कर्तव्य भी है और धर्म भी। मैं चलता हूं। नारायण नारायण। हे पितरों, यदि पतित पावनी गंगा को यहां तक लाने से आपका उद्धार हो सकता है तो आपका यह वंशज भगीरथ आज यह प्रतिज्ञा करता है कि वो गंगा को धरती पर अवश्य लाएगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गंगा की खोज में जा रहा हूं। नारायण नारायण। माते माते, प्रणाम माते। पुत्र, आज तुम्हारे मुखमंडल पर प्रसन्नता की जो आभा दिखाई दे रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हें किसी विशेष समस्या का समाधान मिल गया है। माते, आपसे क्या छिपा है? आप तो साक्षात ज्ञान बुद्धि और विद्या की देवी हैं। माते, मैंने महाराज भगीरथ को गंगा अवतरण के कार्य पर लगा दिया है, बहुत शीघ्र देवी गंगा धरती पर उतर जाएंगी और उसके बाद आप पुनः ब्रह्मलोक से ज्ञान और कला का प्रसाद सारी सृष्टि को बांटना आरंभ कर देंगी। पुत्र नारद, हमारे निजी संबंधों से अधिक चिंता तुम्हें जगत कल्याण की रही है, इसीलिए तो तुम देवर्षि कहलाते हो। पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। मैं गंगा के धरती पर उतरने की प्रतीक्षा करूंगी एवं सागर के पुत्रों के उद्धार के पश्चात तीर्थों के राजा प्रयाग में गंगा से मिलूंगी। प्रणाम माते। नारायण नारायण। माते, माते, आपका यह अज्ञानी बालक न जाने आज तक किस भ्रम में अपना जीवन यापन कर रहा था। मुझे आज ज्ञात हुआ है कि मेरे पितरों की आत्माएं अकाल मृत्यु के कारण भटक रही हैं और मैं अज्ञानी राजसुख का भोग कर रहा हूं, आखेट और क्रीड़ा में मग्न हूं। माते, मुझे मेरे पितरों के उद्धार का मार्ग बताइए, आपकी तो सदैव मुझ पर विशेष अनुकंपा रही है। माते, मुझे कृपा करके बताइए कि गंगा के अवतरण का मार्ग क्या है।
माते, जब तक मैं आपसे इस बात का उत्तर नहीं पाऊंगा, यहीं इस प्रकार भूखा प्यासा पड़ा रहूंगा। और आप तो जानती हैं माते कि आपका यह पुत्र जब कुछ ठान लेता है तो कभी पीछे नहीं हटता। मुझे मार्ग बताइए माते, मुझे कृपा करके मार्ग बताइए, मुझे मार्ग बताइए माते। हाँ, मुझे ज्ञात है। पुत्र भगीरथ, जब संतान अन्न जल त्यागने की धमकी देती है तो माता को चिंता होने लगती है। मैं आपका आभारी हूं माते, जब मेरे कथन मात्र से आपको इतनी चिंता हो गई तब तो मैं समझता हूं कि मेरा कल्याण हो गया। मुझे मार्ग बताइए माते। पुत्र भगीरथ, इसके लिए तुम्हें कैलाश जाना होगा। वहां देवी पार्वती से विनती करनी होगी। गंगा इस समय ब्रह्मलोक में है और उन्होंने ब्रह्मा जी के कमंडल में आश्रय ले रखा है। गंगा ब्रह्मलोक छोड़ने पर सहमत हो जाए, यह कार्य केवल महादेवी पार्वती द्वारा ही संभव है, क्योंकि वे दोनों बहनें हैं। धन्यवाद माते, मैं जाऊंगा, मैं कैलाश अवश्य जाऊंगा। महाराज की जय हो। अनुमति हो तो कुछ निवेदन करूं। महामंत्री जी, मैं भी अपनी प्रजा से कुछ निवेदन करना चाहता हूं, किंतु आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं निसंकोच कहिए। महाराज, ये ब्राह्मण देवता हमारे अतिथि हैं। ये उत्तराखंड से पधारे हैं और उत्तराखंड राज्य की राजकन्या के आपसे शुभ लग्न के संबंध में आपकी अनुमति लेने आए हैं। प्रणाम महाराज। हे ब्राह्मण देवता, मुझे खेद है, इस समय मैं आपको अपनी सहमति प्रदान नहीं कर सकता। क्यों महाराज, क्या हमारी राजकन्या आपके योग्य नहीं है या हमारे महाराज? नहीं ब्राह्मण देवता, आपकी राजकन्या सभी दृष्टियों और हर प्रकार से हमारे योग्य है, किंतु हमारी नियति हमारे साथ नहीं। इस समय मेरी प्राथमिकता कुछ और है। कदाचित आप सब जानते हैं कि मेरे महान पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों की अकाल मृत्यु हुई थी। उनकी अकाल मृत्यु हुई अब मेरी प्राथमिकता है और इस विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए मैंने वैराग्य लेने का निर्णय ले लिया है।